नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। मैहर मध्य प्रदेश राज्य मंत्री श्री कृष्णा गौर मैहर पहुंची, जहां मां शारदा के दर्शन किए व प्रेस बात रखते हुए साधारण महिला से मंत्री पद तक के सफर की कहानी में क्या कहा मंत्री गौर ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बन गई हूँ, लेकिन आज मेरी माई के दरबार में माई की बेटी बनकर ही आई हूँ। जो कुछ दिया है मेरी माई ने मुझे दिया है। कभी सोचा भी नहीं था कि माई अपनी बेटी की झोली ऐसी भरेगी कि जो छोटी पड़ जाएगी। माई का सच्चा दरबार है। जब जो मांगा माई ने वो सब दिया। समर्पण भाव से माई के दरबार में आकर शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करके जाती थी और ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करती थी। आज बहुत प्रसन्नता है मुझे इस बात की कि मेरी माई का आशीर्वाद ऐसा मुझे मिला कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बनकर मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। आज भी मैं माई की बेटी बनकर माई से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आई हूँ कि जो जिम्मेदारी माई आपकी कृपा से मुझे मिली है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने की, उसे सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मैं करूँ, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करना। चूंकि आप ये पहली नहीं हो रही, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी मिला है इसे सच्चे दरबार से ही मुझे मिला है और यहाँ से कभी कोई निराश होकर नहीं गया। और मैं स्वयं इस बात की प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि मैं जब यहाँ आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। माई के दरबार में आती थी, माई से प्रार्थना करके जाती थी और माई हमेशा मेरी झोली भरती थी। आज निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी माई के आशीर्वाद से मुझे मिली है, तो मेरी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि जैसे महाकाल लोक हमारे उज्जैन में बनकर तैयार हुआ है, मेरी शारदा माई के इस पवित्र मंदिर को भी हम पवित्र धाम बनाने का काम करेंगे। और हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से यह प्रस्ताव हम उनके समक्ष रखेंगे और जैसा यहाँ के सभी निवासियों की और शारदा माई के समस्त भक्तों की अभिलाषा है, उस अभिलाषा को आने वाले समय में पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करने का मैं काम करूँगी। मैहर चूंकि नया जिला बना है, प्रशासनिक दृष्टि से जिले में सारी सुविधाएं नागरिकों को मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले और सरकार से जो अपेक्षा उनकी होती है वो अपेक्षाएं पूरी हो, इस दृष्टि से एक अच्छा सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार करने के लिए संकल्पित है। हम सब मिलकर हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम मैहर जिला, जो नया जिला बना है, यहाँ के नागरिकों को वो सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं जिसकी दरकार हुई है। अभी तक विधायक और अब प्रदेश की मंत्री हैं, आप क्या प्राथमिकताएं रहेंगी प्रदेश में विकास को लेकर? देखिए, जो विभाग मुझे मिला है वो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और स्वाभाविक रूप से समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के कल्याण के लिए मुझे काम करना है। और इसलिए मेरी कोशिश लगातार इस बात की हमेशा से रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा सबका साथ सबका विकास, जब तक हम समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आगे बढ़ने का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए अगर मुझे पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु विभाग मिला है तो ये समाज का वह पिछड़ा वर्ग है, वह वंचित वर्ग है जिसको विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की दरकार है। और इस दृष्टि से मैंने कल से ही अपना काम प्रारंभ कर दिया है। जबलपुर में हमारी कैबिनेट की प्रथम बैठक हुई और उसके बाद ही मैंने जबलपुर में जो पिछड़ा वर्ग का कन्या छात्रावास था उसका निरीक्षण किया। वहाँ की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है या नहीं ये देखने की कोशिश की और जो कमियाँ थी उसको पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आगे आने वाले समय में भी निश्चित रूप से मैं अपने विभाग के साथ पूरा न्याय कर सकूँ, ऐसी कोशिश मेरी रहेगी। ठीक ठीक।